हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेलेबल 08। सामने आपके है सीएनजी का स्टिकर और गाड़ी कौन सी है? पंच। भाई कहाँ पे देखी थी ये गाड़ी हम लोगों ने? हमने देखी थी यार ऑटो एक्सपो में। तब से बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि कब आएगी, है ना। और सामने अपने हैं एल्ट्रोज, ये भी आपकी आ चुकी थी सीएनजी के अंदर। अब यार सीएनजी का इसका जो सबसे बढ़िया सीन है ना, वो बन रहा है यार। मतलब एक यूनिक ही टेक्नोलॉजी और यूनिक ही चीज़, मतलब दो सिलेंडर लगा दिए यार। मतलब क्या सही चीज़ कर दी स्पेस यूटिलाइज करने के लिए। देखो यार, ये जो अपने सामने वेरिएंट है ना, ये टॉप वेरिएंट रहने वाला है। अब इसकी टक्कर में भाई ह्यूंडई ने एक्स्टर पहले ही निकाल दी थी। चलो ह्यूंडई एक्स्टर भी आ गई है इस सेगमेंट में, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अपने सामने जो आज है ना, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं यार। बहुत पसंद की जाती है। सबसे मेन बात तो भैया, देश का लोहा खूब पसंद किया जाता है, कारण इसकी सेफ्टी रेटिंग्स की वजह से। तो सेफ्टी रेटिंग्स के साथ साथ इसके अंदर सीएनजी सिलेंडर भी आ गया है। वो भी टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि भाई दो दो सिलेंडर लगा के स्पेस खूब बचा दिया इसके अंदर। अब यार आपको दिख रहा होगा इसके अंदर अलॉय। अबे वेरिएंट कौन सा है? तो देखो यार, ये जो वेरिएंट है, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से किसी भी गाड़ी में आके देख लेना, पंच एकम्प्लिश डीजल पैक के साथ टॉप वेरिएंट रहने वाला है ये। अब कीमत कितनी है इसकी? तो देखो यार, कीमत जो है एक्स शोरूम 9,67,900 रुपये की पड़ती है और ऑन रोड 10,90,000 रुपये की ये पड़ जाती है। अब 10,90 के अंदर इस गाड़ी के अंदर हमें क्या कुछ अच्छा मिल जाता है, है ना। सेफ्टी की बात करेंगे, रेटिंग्स की, तो वो आप लोगों को पता है ना, लोहा मतलब खूब मजबूत है। लेकिन सेफ्टी फीचर्स क्या मिल जाते हैं भाई, वो भी मैटर करते हैं, तो उनको भी देखेंगे। इसके अलावा इन एंड आउट और क्या क्या चीज़ें हैं इस टॉप वेरिएंट के अंदर, वो सब देख लेंगे। तो चलो ओवरऑल इसका पहले फ्रंट का पूरा व्यू देख लो आप। गाड़ी के अंदर डायमेंशंस में एज सच कोई भी चेंज नहीं आया है, चाहे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हो, भाई वैसी की वैसी पहले जैसी 187mm की रख रखी है। चलो स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ से। ऊपर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर का वो सेंसर दिख जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से बारिश के अंदर दो चार बूंद पड़ने के साथ ही ये चलना शुरू हो जाएगा, तो एक अच्छी चीज़ है। चलो ये हो जाता है। इसमें क्या मिलता है यार टॉप वेरिएंट में? यहाँ पे हम लोगों को ना इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और ये DRL, तो ये अच्छे लगते हैं। लेकिन भाई नीचे वाले वेरिएंट्स में ये देखने के लिए नहीं मिलता, बहुत प्यारी चीज़ है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो जाते हैं, इधर आपको हाई बीम के लिए यहाँ पे हेलोजन के अंदर रिफ्लेक्टर्स हो जाते हैं। बेसिकली पूरा सेटअप ये आपका हेलोजन के अंदर है। नीचे क्या है, फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। फॉग लैंप्स का यार बहुत यूज़ है। प्लस जो फ्रंट की क्लैडिंग है ना, वो प्यारी लगती है यार, मतलब काफ़ी बढ़िया लुक देती है इसको। नीचे ये ट्राई एरो, या ट्राई एरो का जो मुझे मतलब समझ आता है ना, ये कहीं ना कहीं पास से देखो आप लोग, ये देखने में टी लगता है, T4 टाटा। बाकी टाटा का लोगो ये हो गया, पियानो ब्लैक हो गई, है ना, इधर आपका हॉर्न हो गया, ये भी देखो ट्राई एरो, और प्लस कुछ क्रोम के इंसर्ट्स हो गए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा फ्रंट का लुक काफ़ी अच्छा है, और गाड़ी की जो इसकी हाइट है ना, वो भी काफ़ी अच्छी है। साइड प्रोफाइल से बात करोगे तो कम्प्लीटली बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं है ना लंबाई में, 4 मीटर के अंदर आती है, कॉम्पैक्ट कह सकते हो आप इसको, मिनी SUV लोग कहते हैं इसको। साइड से ओवरऑल क्लैडिंग का पार्ट देखोगे तो बहुत अच्छा है यार, क्लैडिंग्स काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करती है। जब सड़क पे चल रहे होते हैं ना, कोई रगड़ के निकल जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा यार फ़ायदा मिल जाता है पेंट को। एलॉयज देख लो, यहाँ पे भी मिल जाते हैं आपको 16 इंच के। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, और बाकी टायर गुडियर का है, 195/60R16 की प्रोफाइल मिल जाती है। यहाँ पे ट्रैवल भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, और देखो आप यहाँ पे फेंडर पे भी क्लैडिंग्स हैं, तो क्लैडिंग्स के मामले में बेसिकली रगेडनेस देने के लिए तो बहुत ही सही है। बाकी A+, B+, and C+ आपको सारे ब्लैकआउट मिल जाते हैं। अब यहाँ देखो यार, ये हैं इसके ORVM। अब ORVM में अच्छा क्या कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, लेकिन एक चीज़ इसको करनी चाहिए थी टाटा को, 10,90,000 रुपये में यार फोल्डेबल ORVM नहीं है जो होने चाहिए थे, ठीक है, इस सेगमेंट में। प्लस यहाँ आप देख लो रिक्वेस्ट सेंसर, बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, है ना। पेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, खासकर ये कलर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाकी आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ भैया, 25 साल हो गए हैं सेलिब्रेट करते हुए टाटा को, और 50 लाख से ज़्यादा गाड़ी बेच दी है। 1998 में शुरू किया था और 2023 तक, तो ये स्टिकर आपको लगा मिल रहा है इनकी तरफ से। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी, है ना, ग्लोसी ब्लैक है, शार्क फिन एंटेना मिल जाएगा, तो ओवरऑल आप लोग ये कहोगे देख के कि अच्छी लग रही है। ग्राउंड क्लियरेंस एज इट इज़ 187mm की है। सबसे बढ़िया इसका रियर का जो है, वो है इस बूट के अंदर। चलो पहले ओवरऑल सामने का ये है ना जो सीन, वो देख लो, तो LED के अंदर लाइट्स हैं, ठीक है, चलो ये अच्छी चीज़ हो जाती है। इंटीग्रेटेड है सब कुछ, चाहे रिवर्स लैंप हो चाहे इंडिकेटर हो, नीचे रिफ्लेक्टर्स और ट्राई एरो वाला पैटर्न मिल जाता है। क्लैडिंग का पार्ट भी अच्छा है, और पार्किंग सेंसर इसके अंदर आपको 2 मिल जाते हैं। अब क्या है, जैसे कि ये CNG है, तो इसके अंदर टायर कहाँ प्लेस करा गया है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
तो भाई यहाँ मिल जाएगा आपको टायर नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी ICNG, ठीक है, जिसका इंतजार था बेसब्री से, और यहाँ पे आपको पंच मिल जाता है, टाटा का लोगो, और यहाँ पे आपको ये कैमरा मिलता है जी। अच्छी बात है ना। चलो अंदर चलते हैं यार, जिस चीज़ को देखना है उसको ही देखते हैं ना। तो ये है मेन हाईलाइट इस गाड़ी की, इसके डबल सिलेंडर। यार ये डबल सिलेंडर का सेटअप कभी कभी पहले आफ्टर मार्केट सोचा करते थे कि लग जाए तो कितना मज़ा आ जाए, स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन कंपनी दे रही है तो कितनी अच्छी चीज़ है ना। बाकी यहाँ पे सारे सेफ्टी वॉल्व हो गए, और इनकी अगर आप बात करोगे कि इसके अंदर कितनी गैस आ जाएगी, तो देखो भैया 60 लीटर की कैपेसिटी है, और मैं कहता हूँ कि प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, तो 8-9 किलो की गैस आ जाएगी। और भाई 1 किलो में आप 26 किलोमीटर तक गाड़ी खींच सकते हो अगर तरीके से चलाओगे तो। बाकी ये हो गई इसकी शेल्फ, ठीक है, छोटी सी है स्टडी के मामले में, तो बस ठीक है, शो ऑफ है। बाकी यहाँ आप देख लो, ठीक है, ऊपर लाइनर है, और ये आपका हैंडल हो गया है ना। बाकी ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी मजबूत है। अब कहाँ से भरवाओगे आप CNG? तो भाई CNG तो यहाँ से भरवाओगे ना, जहाँ से अपना फ्यूल टैंक होता है। तो इसी के अंदर आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा 37 लीटर का, ठीक है, और यहीं से अपनी CNG भरवा सकते हो। चलो यहाँ आते हैं हम। तो देखो भाई वही सेम, यहाँ से आप अपना रियर डोर खोलो, और ये रहेगा इसका पूरा सीन। ये है इसकी डोर ट्रिम, और हाईलाइट है इसका ये। अब ये 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना, अब जब हाईलाइट है तो। बाकी इतने में भी वैसे घुसा जाता है अंदर, बाकी ये डोल टोन के अंदर हो जाता है। ऑल फोर पावर विंडोज़, ठीक है, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक मिल जाएगा, और ये इसकी सीट्स हो जाती हैं। सीट्स देखने में काफ़ी चौड़ी लग रही हैं, काफ़ी अच्छी लग रही हैं, और कम्फर्ट के मामले में भी काफ़ी सही लग रही हैं, दैट मीन्स गद्देदार लग रही हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिल जाते हैं, है ना, ये आपकी सीट बेल्ट्स हो गई। अब क्या है, सिर्फ यहाँ पे आपको 2-point सीट बेल्ट जो है वो आपको सेंटर में अभी भी मिल रही है ना, जो अभी देखा जाए तो लगभग सेफ्टी के हिसाब से दूसरी कंपनीज़ 3-point सीट बेल्ट्स लेके आ रही हैं। तो मे बी शायद ये फ्यूचर में अपडेट हो जाए, बट अभी ये सच अपडेट नहीं हुई है। यहाँ पे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल रहे हैं, सेंटर में हेडरेस्ट नहीं है, यहाँ पे एज सच कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी स्पेस की बात करेंगे तो देखो यार, सीट में जो यहाँ पे थाई सपोर्ट है ना, वो काफ़ी अच्छा है, प्लस यहाँ पे भी स्पेस अच्छा है, सेंटर में कोई भी आपको एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे। बाकी हाँ, चाहो तो यहाँ पे अपना फ़ोन वोन रख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे देखो तो ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको हुक मिल जाएगा, ठीक है, जो इसकी क्वालिटी है ना, तो ये मैं कहूँगा जो रूफ लाइनर है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। बाकी सबसे अट्रैक्टिव फीचर जो सबको पसंद आता है, तो भाई देखो इसके अंदर यार सनरूफ इंट्रोड्यूस कर दी है। तो ये भी ऑटो एक्सपो में देखा था कि ये आएगी सनरूफ, तो भाई ये आ चुकी है फाइनली, है ना। साइड की डोर ट्रिम सेम एज़ इट इज़ रहेगी, और अब जैसे कि ये टॉप मॉडल है तो फ्रंट में चल के ओवरऑल चीज़ें देख लेते हैं। अब की बात करूं तो देखो यार, की वही स्टैंडर्ड जो पहले आ रही थी ना, तो इस तरह की मिल रही हैं आप लोगों को, क्या क्या बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक और बूट, और आपका फॉलो मी हेडलैम्प्स, तो चलो सही हो जाता है। चलो ये हो जाती है फ्रंट की ट्रिम, पूरी प्लास्टिक की रहने वाली है ना। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स ORVM सिर्फ आपके एडजस्टेबल हैं टॉप वेरिएंट के अंदर, है ना, फोल्डेबल नहीं है। बाकी यहाँ पे स्पेस के मामले में बोतल यहाँ पे आप घुसा सकते हो, यहाँ पे ना वो अम्ब्रेला वो घुसा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो आप लोग, ये हाइट एडजस्टेबल सीट्स हैं। बाकी सीट्स एज इट इज़ मैंने आपको कम्फर्ट बताया पीछे, आगे आपको हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। इधर की बात कर लो तो देखो यार, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, अब भैया CNG में आ गई तो यहाँ से CNG स्विच कर सकते हो, डोर लॉक, और ये आपका फोग लैम्प के लिए। नीचे से आप अपना बोनट खोल सकते हो, खोल ही देता हूँ यार, दिखाना है आप लोगों को। बाकी डेट पेडल, ये अच्छी बात है यार, प्लास्टिक का यार बड़ा स्टर्डी सा दे रखा है, और ABC पेडल्स मिल जाते हैं इसके अंदर। चलिए ये हो गई मोटी मोटी बात, अब अंदर देख लो यार स्टीयरिंग व्हील को, तो ये रहेगा इसका स्टीयरिंग व्हील, है ना। एसेसरी मोड पर डालते हैं इसको, और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, तो ये रहेगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसका, वो आपका कह सकते हैं कि सेमी डिजिटल टाइप से, और यही चलता आ रहा है ना। मतलब मैं अगर कहूँ ना, तो दे तो ये अच्छी चीज़ रही है, बट ऐसे आँखों को मतलब ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है, बट हाँ इन सिंपल लैंग्वेज अगर वैसे कहूँगा तो हाँ क्यूट सा लग रहा है, तो ये हो जाता है। बाकी ये देखो पूरा लेदर रैप्ड नहीं है, बट है तो भाई सॉफ्ट सा लेदर रैप्ड नहीं है, बट यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ठीक है, ये आपके सारे स्टीरियो के, इधर ऐसा कोई भी कंट्रोल्स नहीं है। यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प्स, और इधर आपको ऑटो वाइपर, वाह भाई वाह। बाकी इसके एडजस्टमेंट की बात कर लो,
तो देखो जी, ये आपका हो गया हाइट, है ना, और ये आपका रीच तो नहीं है। तो भैया रीच एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिलने का। इसको लॉक कर देते हैं। ये पूरा डैशबोर्ड, बोनट का व्यू अच्छा है एज यूजुअल, पहले की ही तरह है। और ये आपका हरमन का सिस्टम, भाई इसकी बहुत तारीफ होती है ना, साउंड सिस्टम की। 7 इंच का रहने वाला है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो इसके अंदर आपको मिल जाता है। और घड़ी भी देखो यार कितनी प्यारी लग रही है। ये आपके हो जाते हैं एसी वेंट्स सिल्वर फिनिश के अंदर। और ये आपका हैजार्ड स्विच, ये देखो लप लप, ठीक है। नीचे यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा ये है ना डुअल टोन का सिस्टम, नीचे आके एसी के कंट्रोल्स, तो ये अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑटो एसी नहीं मिलने वाला, लेकिन यूनिट देखने में आपको ऐसी लगेगी जैसे ऑटो एसी की है। ये आपके मैनुअल ही रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको टाइप ए का सॉकेट मिल जाएगा, टाइप सी का सॉकेट दे दिया, नाइस। 12 वोल्ट का सॉकेट है ना। यहाँ पे अपना फ़ोन, पर्स, चिल्ड्रन, एक्स वाई जी, जो भी रखना चाहो भाई वो रख लेना। और ये आपका 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। अच्छा आप लोग कहोगे कि ऑटोमेटिक में लेनी हो तो भैया सी एन जी ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगी। ये आपका हो गया लेदर रैप्ड। अब सेंटर में, ओ भाई आर्मरेस्ट नहीं है, ये आएगा दिमाग में, नहीं। लेकिन उन्होंने काम अच्छा है कि भाई यहाँ देखते हैं ना, तो ये वाले आर्मरेस्ट हैं इसके अंदर। तो हाँ ये भी यूज़फुल ही हैं और भाई स्टर्डी भी हैं, तो इस तरह के आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं। वो सेंटर वाला नहीं है तो कह सकते हो आप थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट। बाकी यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक और यहाँ पर आपको एक टाइप ए का सॉकेट मिल जाता है। चलिए चार्जिंग के लिए अच्छी चीज़ है, पीछे वाले बैठ के भी चार्ज कर सकते हैं, तार लंबी होनी चाहिए बस। यहाँ पे 2 अपने आप कप रख सकते हो। और इधर की बात करोगे, देखो यार, देखो दोबारा दिखाता हूँ भाई, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ है ना, ये अच्छा बड़ा ग्लव बॉक्स मिलता है, काफ़ी डीप है और कोल्ड ग्लव बॉक्स नहीं रहने वाला। यहाँ पे चाहो तो अपना पेन लगा लेना, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे पेन के लिए जगह दे रखी है। करते हैं भाई, यहाँ पे आपको वाइजर मिलता है टिकट होल्डर के साथ, यहाँ पे आपको IRVM मिल जाते हैं डे नाइट, ऊपर आपको लाइट मिल जाती है, बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, ठीक है। और ये आपको सनरूफ का बटन, तो भैया ये आपको सनरूफ मिल जाती है इसके अंदर, जो काफ़ी सही हो जाती है और देखने में डिसेंट लग रही है। बाकी यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा एक शीशा, है ना। अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो देखो यार मेन सेफ्टी फीचर जैसे कि बिल्ड क्वालिटी के लिए मानी जाती है, तो भैया बिल्ड क्वालिटी तो है ही, लेकिन अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाएंगी तो वो लिमिटेड हैं। 2 एयरबैग हैं इसके अंदर, ABS, EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इस तरह के सेफ्टी फीचर्स हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, बाकी रियर पार्किंग सेंसर्स है ना, रियर पार्किंग कैमरा, ये सेफ्टी प्लस कन्वीनियंस हो जाते हैं। तो ये सब आपको इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इंजन की बात कर लेते हैं, इसके अंदर जो सबसे अच्छा काम करा गया, 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी इसके इंजन से जो पावर निकाली गई है ना यार, वो 1.2 लीटर की अदर CNG कार्स देखोगे ना आप लोग तो उससे ज़्यादा निकाल रखी है ना। चलते हैं आगे की तरफ, इंजन दिखाता हूँ आप लोगों को और फिर उसकी पावर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जी ये देखो, ये रहेगा इसका इंजन है ना, 3 सिलेंडर। और पावर की बात करेंगे तो 73.5 PS की पावर है CNG के अंदर और 103 Nm का टॉर्क। मतलब जनरली आपने देखा होगा 95 Nm के आसपास मिलता है CNG के अंदर 1.2 लीटर में, लेकिन यहाँ पे 103 Nm, भाई बहुत सही हो जाता है। नीचे इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं है इसके अंदर, बाकी पीछे आपको इंसुलेशन मिल जाती है। ये आपका हो जाता है रिड्यूसर CNG का और ECU भी यहाँ पे अंदर पैक्ड हो जाता है, तो ऊपर इंसुलेशन मिल जाती है। तो भाई कर देते हैं इसको बंद। अब प्राइसिंग्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि प्राइसिंग्स क्या रहने वाली हैं और ओवरऑल गाड़ी के अंदर क्या कुछ मिल जाता है, जो जानना था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी है। तो देखो यार, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, आप लोग ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।